के तले दबाकर वोट लिया गया, लेकिन इस परिवार को कभी भी वो लोग जो सपना दिखाते रहे, इस परिवार के लिए कभी भी उस विकास के सपने को साकार न कर सके। बार बार एक एक विधानसभा का प्रश्न पूछा हमने। आज सुबह जायज के कुछ प्रतिनिधि हमारे पास आए थे। ये वो लोग हैं जिनकी 16 साल की बेटियों पर कांग्रेस के विधायक ने, कांग्रेस के नेताओं ने FIR मात्र इसलिए दर्ज करवाई है क्योंकि उन बेटियों ने राहुल गांधी के खिलाफ आंदोलन करने की जुर्रत की है। इन परिवारों ने हमसे कहा कि चाहे वो जायज हो या जगदीशपुर, हमारी बेटियों को गोडाउन में पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। आज अमेठी की जनता पूछे ये सवाल कि देश भर में महिला सशक्तिकरण पर भाषण करने वाले वो सांसद क्यों अमेठी की धरती पर बेटियों को शिक्षा का साधन नहीं दे पाते हैं। वो नेता जो देश भर में महिला सशक्तिकरण पर भाषण देते हैं, वो क्यों अमेठी में बेटियों के लिए डिग्री सरकारी कॉलेज नहीं खोलते हैं। आज कुछ ऐसे सज्जन भी यहां उपस्थित हैं जो अपनी मन की पीड़ा को सार्वजनिक तौर पर व्यक्त नहीं करते हैं। हलियापुर क्षेत्र से राजेंद्र सिंह जी आए हैं, जिनके घर 2 दिन पहले ही कांग्रेस की नेत्री जाकर आई हैं। ये वो सज्जन हैं जिन्होंने अपने बेटे को 2006 में कारगिल के बटालिक क्षेत्र में खोया है। ये वो सज्जन है जिससे कहा गया कि अगर बेटे की शहीदी के लिए आपको कुछ चाहिए तो जाइए राहुल गांधी के दिल्ली के दरबार में शीश झुकाइए। इस व्यक्ति को कहा गया कि दो दो लोगों का टिकट, दो दो लोगों का साधन, दो दो लोगों के भोजन का आप प्रबंध कीजिए दिल्ली में। ये वो पिता है जिन्होंने खुद वर्दी पहन के एक वक्त भारत माँ के चरणों में शीश झुकाकर सेवा की है। ये व्यक्ति क्योंकि आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहे थे, ये दिल्ली के दो दो बार चक्कर लगाकर आए, लेकिन ना राहुल गांधी मिले, ना उन्हें वो वेतन, वो पेंशन, वो सहारा मिला, ना गैस की वो एजेंसी मिली, ना पेट्रोल पंप मिला जिसका सपना दिखाकर दलाल इन्हें दिल्ली ले गए थे। आज अमेठी में ऐसे किसान भी मिलने आए जिनसे तेजबान दादा ने पूछा कि आज तुम आकर प्रत्यक्ष रूप से नरेंद्र मोदी को देखने वाले हो, कभी राहुल गांधी को देखा, कभी राहुल गांधी ने आकर तुम्हारी पीठ थपथपाई? तो किसान ने कहा, क्या मजाक करते हो दादा, पीठ तो नहीं थपथपाई, लेकिन खाद की लाइन में जब किसान खड़ा था तो पुलिस से लाठी चार्ज करवा के पीठ लाल करवाने का काम जरूर किया है। लेकिन जब जब हमने विकास से संबंधित इन प्रश्नों को किया, तब तब कांग्रेस पार्टी ने कटाक्ष के सिवा कुछ नहीं किया। एक नेत्री ने तो यहां तक बोल डाला कि अगर राजनीति करनी है तो दरिया दिल होना चाहिए इंसान। आज मैं कांग्रेस के नेता से पूछती हूं, क्या महिला का रात को मुंह छिपाकर शौच के लिए घर से बाहर जाना ये दरिया दिली का प्रतीक है? क्या एक शहीद के पिता के लिए तरसना ये दरिया दिली का प्रतीक है? क्या खाद के लिए किसान का डंडे खाना ये दरिया दिली का प्रतीक है? अगर नहीं, तो आज अमेठी की जनता से कहना चाहती हूँ कि त्यागो उस राजनीति को जिसने रिश्तों का सौदा किया लेकिन इस परिवार को कभी कुछ नहीं दिया। 7 मई को घर के बाहर आओ, कमल का बटन दबाओ और अपने भाग्य को एक बार फिर उज्जवल बनाओ। आज मैं अपने भाषण को सूक्ष्म इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि कार्यकर्ताओं का निवेदन यह था कि हम नरेंद्र भाई का मार्गदर्शन प्राप्त करें। ये वो कार्यकर्ता है जिन्होंने वर्षों से राष्ट्रीय यज्ञ में बिना मांगे आहुति दी, बिना मांगे बलिदान दिया। बलिदान की एक गाथा को मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। भादर ब्लॉक के हमारे मंडल अध्यक्ष के दामाद का देहांत हुआ। 26 साल का वो नौजवान जब धरती पर पड़ा था तब वो परिवार अस्पताल में फोन कर रहा था और परिवार से कहा गया कि एम्बुलेंस को चलाने के लिए वाहन चालक नहीं, अस्पताल में स्वीपर है लेकिन डॉक्टर नहीं। वो कार्यकर्ता आज इस भीड़ में खड़ा है नरेंद्र भाई,
उस कार्यकर्ता ने अपने दामाद की अंत्येष्टि की और वो तुरंत काम पर लग गए। उसकी 24 साल की बेटी को जब मैंने गले लगाया तो उसकी बेटी ने मात्र इतना कहा कि मेरा सुहाग उजड़ा, क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर नहीं था। नरेंद्र भाई को मात्र इतना कहिए कि किसी और बेटी का सुहाग ना उजड़े, जल्दी से प्रधानमंत्री बनिए। लेकिन यह भी सत्य है कि एक तरफ हमारे कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और दूसरी ओर कांग्रेस के अन्य दलों के कुछ नेता हैं जो रात के अंधेरे में आकर कार्यकर्ता से कह रहे हैं कि संभल कर चलना, ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। कुछ कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं ये संकेत दिया जा रहा है कि ज्यादा दोष मत दिखाओ, 7 मई के बाद तो स्मृति दीदी चली जाएंगी, तुम्हें अकेला छोड़ जाएंगी। जो लोग हमारे कार्यकर्ता और समर्थक को डरा रहे हैं उनसे आज मैं डंके की चोट पर कहना चाहती हूँ कि छेड़ेंगे नहीं तुम्हें, लेकिन अगर हमारे कार्यकर्ता और समर्थक का एक भी बाल बाका हुआ तो छठी का दूध याद दिलाने की ताकत इस बहन में है। आज कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूँ कि आप जिस प्रकार से यहाँ जोश और उम्मीद के साथ इस मैदान में उपस्थित है, यह इस बात का संकेत है कि देश में जो परिवर्तन की लहर चल पड़ी है वही परिवर्तन अब अमेठी भी चाहता है। हर गली, हर गांव, हर नुक्कड़ से अमेठी का नौजवान कहता है कि जगदीशपुर ने ख्याति इसलिए पाई क्योंकि दो दो बार फैक्ट्री का शिलान्यास होता है, लेकिन फैक्ट्री खुलकर नौजवान को नौकरी नहीं मिलती है। सलोन का नौजवान कहता है कि मुझे अगर अपने सपने साकार भी करने हो तो सलोन से अमेठी कोई ट्रेन नहीं जाती, ऊंचा हार तक जाने वाली ट्रेन का सपना तो आज भी दादाजी बैठकर देखते हैं। और जब इन नौजवानों का जुलूस निकलता है गली गली, तब घर के वरिष्ठ भी आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि हमने पीढ़ियां बिता दी एक परिवार के समर्थन करते करते, लेकिन इस बार हमने ठानी है कि उन लोगों को बतलाना है जो संसद में कभी ना बोले, ना सड़क पर जिन्होंने आंदोलन किया, कि इस बार अमेठी है तैयार, अब की बार। तो इस भावना के साथ कि भारत के भावी प्रधानमंत्री, जिन्हें अमेठी का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन भी हुआ है, अमेठी की पीड़ा को जिन्होंने स्वयं समझा भी है, उनके मार्गदर्शन को प्राप्त करके आज इस मैदान से विजय घोष होगा, आज इस मैदान से जय घोष होगा, आज इस मैदान से हर वो कार्यकर्ता घर को जाएगा, एक ही मूल मंत्र दोहराएगा, अमेठी है तैयार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।